ओम काली जय महादेव। वीरेंद्र चौहान जी नोएडा से पूछ रहे हैं, मेरी उम्र 19 साल है, मेरा जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या मैं सब कुछ छोड़कर साधु बन सकता हूं? साधु क्या है पहले तो हम वो समझे। क्या साधु हमने भगवे कपड़े पहन लिए, घर बार छोड़ के चले गए, जंगलों में जाके साधना करने लग गए या कुछ भी करने लग गए, क्या यही साधु का जो डेफिनेशन है कि यही है? नहीं, ये नहीं है। संस्कृत भाषा में साधु शब्द का मतलब है वर्चुअस होना, गुणी होना, काइंड होना, दयालु होना, कंपैशनेट होना, कृपालु होना, कि जो जो ईश्वरीय गुण है वो हमारे भीतर मानवीय गुण बनके पूरी तरह से जब कार्यान्वित हो जाएंगे तभी हम यह साधु कहलाने के योग्य हैं। और उसके लिए वेशभूषा का कोई भी मतलब नहीं है। हम पैंट जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, कुछ भी पहने, हमारे अंदर जब गुण आ गए ईश्वरी के तब हम अपने आप ही साधु हो गए। उसके लिए छोड़ के भागने की जरूरत क्या है? तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो तो ये जरूर होना चाहिए, परम लक्ष्य, कि हमें ईश्वर के संग योग प्राप्त करना है, क्योंकि हम मानव हैं, हमें मानव का जीवन मिला है। ये तो हमारा अधिकार भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम ईश्वर के संग अपना योग स्थापित करें। लेकिन उसके साथ साथ हमें छोटे छोटे भौतिक लक्ष्य भी रखने चाहिए, जैसे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करें, कोई अच्छा बिजनेस करें, पैसा कमा के अपने परिवार का ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें, उस पैसे का अच्छा प्रयोग करें समाज के सुधार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, जीवों का ध्यान रखने के लिए। ये ऐसा लक्ष्य हम लेके चलें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम सोचें कि हम बस पूरे टाइम साधना ही करते रहेंगे तो ये कैसे संभव है? तो सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी है कि ईश्वर संग योग प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अपने भौतिक कर्म करते हुए, भौतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए हमें ये सब कार्य करने हैं। जो हमारा साधारण जीवन है उसको साधारण तरीके से व्यतीत करते हुए, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही व्यतीत करें, क्योंकि अगर माया को समझना है तो उसको माया में रह के ही तो समझ सकते हैं। अगर हमने अकर्म की स्थिति प्राप्त करनी है तो उसको कर्म करके ही प्राप्त करेंगे। अगर हमने अलगाव की स्थिति में जाना है तो उसके लिए अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें केवल ईश्वर संग योग स्थापित करने का परम लक्ष्य रखना है। साथ में एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें छोटे छोटे लक्ष्य रखने हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हीं लक्ष्य में खो जाएं, पैसा कमाने में ही खो जाएं, अपने जीवन को पैसे के लिए एक इकट्ठा करने के लिए बेकार कर दें। ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे और जानवरों में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, आपकी उम्र केवल 19 साल है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से नौकरी करिए, साथ में साधना करिए, साधना करते रहिए, लोगों की सेवा करिए, जन कल्याण के बारे में सोचिए। तो जिस दिन आपका ईश्वर संग योग स्थापित हो जाएगा उस दिन आपको जो परम लक्ष्य की प्राप्ति है वो पूर्ण हो जाएगी आपकी। यही आपका कर्तव्य है। आप सबको मेरा ओम काली।